सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है, इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी और इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। ये है दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला आज भीड़ भाड़ वाले इलाके से घिरा है। शांत है लेकिन खामोश नहीं। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफी सही बताया। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। आलीशान लाल किले के तैयार होने के समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। नजूमियों और ज्योतिषियों के निकाले गए मुहूर्त के समय पर बादशाह यमुना के सामने दरियाई दरवाजे से किले में दाखिल हुए। खाई को पार करने के लिए लकड़ी का पुल था। इस मौके पर लाल किले में एक शानदार समारोह हुआ जिसकी सजावट कमाल की थी। आगरा के किले से दुगने आकार के लाल किले की दीवारें यमुना की ओर 60 फुट ऊंची हैं और सामने की दीवार 110 फुट ऊंची है। इसमें 75 फुट दीवार खंदक की सतह से ऊपर है और बाकी खंदक की सतह तक है। किले के पीछे यानी पूर्व में यमुना नदी किले के साथ बहती थी और तीन तरफ खंदक थी। इनमें रंग बिरंगी मछलियां थी। खाई के साथ साथ हरे भरे बाग थे लेकिन ब्रिटिश शासन काल में ये गायब हो गए। लाल किले और सलीमगढ़ किले को जोड़ता एक पुल है। लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने सन 1546 में करवाया था। सलीमगढ़ किले का इस्तेमाल शाही कैदखाने के रूप में होता था। लाल किले की प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किले को आड़ देने के लिए उसने ये दीवार बनवाई जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। शाहजहां ने अपनी कैद के दिनों में से आगरा से औरंगजेब को लिखा था कि दीवार बनवाकर मानो किले की दुल्हन के चेहरे पर तुमने नकाब डाल दी है। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है जो जामा मस्जिद की तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े करवा दिए। किले के 5 दरवाजे थे लेकिन लाहौरी दरवाजा मुख्य दरवाजा था। यह दरवाजा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है।
इस छत्ते के दोनों ओर दुकानें हैं और बीचों बीच एक चौक है। किसी जमाने में यहां हर किस्म का सामान बिकता था। आज ये बाजार सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। लाहौरी दरवाजे के छत्ते से निकलकर नजर पड़ती है नक्कार खाने की दुमंजिला इमारत पर। बीच में एक चौक था जिसका सरोवर अब मैदान बन चुका है। चौक के इर्द गिर्द मनसबदारों सामंतों के मकान, दफ्तर और बैठकें थीं, जो अब धूल में मिल चुके हैं। चौक से जरा आगे बढ़ते ही नक्कार खाने का दरवाजा है, जिसे हथिया पोल कहते थे। कुछ कहते हैं इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े थे। इस दरवाजे से आगे किसी को भी अपनी सवारी में बैठकर जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ शाही खानदान के सदस्यों को छोड़कर। नक्कार खाने में हर रोज 5 बार नौबत बजती थी। इतवार को सारे दिन नक्कार खाने से सामने नजर जाती है दीवाने आम की ओर। इसने वो शानो शौकत वो दौर भी देखा जब किले में बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ, तब यहां चांदी के खंभों पर दल बादल नाम का एक आलीशान शामियाना लगाया गया था जिसकी कीमत उस समय 1,00,000 रुपए थी। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा और इसे अहमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार करवाया गया था। यहां जगह जगह बेशकीमती कश्मीरी कालीन से सजावट की गई। ऐसी सजावट, ऐसी शान, जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। ये दीवाने आम का दालान है जिसने मानो इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखे कि चुप्पी सी साथ ली। दीवाने आम में जहां जहां सोने का काम और कीमती पत्थर जड़े हुए थे उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन उसके जो निशान बाकी हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं है। 3 तरफ से खुले दालान की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। छत की ऊंचाई 30 फुट है। इस दीवाने आम की खूबसूरती लाल खंभों की कतारों से कई गुना बढ़ जाती है। दालान में 7-7 दरों की 3 कतारें हैं। हर एक दर में 4-4 खंभे 6-6 फुट के अंतर पर हैं। दालान के आगे 10 बड़े खंभे हैं। दीवाने आम की पीछे की दीवार के बीच में 21 फुट चौड़े संगमरमर पर पच्चीकारी का बेहद खूबसूरत काम है। बेल बूटे, फूल पत्तियां किसी बागीचे का एहसास कराते हैं। पत्थर की चिड़िया लगता है उड़ने को बेचैन है। खूबसूरत रंगीन पत्थरों का काम मन को लुभाता है। यहीं 8 फुट ऊंचाई पर सिंहासन की जगह है। जब कभी दरबारे आम होता था, बादशाह यहीं बैठते थे। उनके सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक सुंदर तख्त है जो 3 फुट ऊंचा, 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। इसी तख्त पर खड़े होकर वजीर बादशाह से निवेदन करते या कोई अर्जी पेश करते थे। इस तख्त का खूबसूरत महंगा काम लोग ले गए। दीवाने आम में बेहद खास मौकों पर तख्त ताऊस लाया जाता था जिस पर बादशाह बैठते थे। दीवाने आम के उत्तर में
सहन से निकलकर दरवाजा था जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहां से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने को रास्ता जाता है। इसी के उत्तर की ओर मशहूर हयात बख्श बाग था जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसके दालान की लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 67 फुट है। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। पूरा दालान संगमरमर का बना हुआ है। चारों कोनों पर बुर्जियां हैं जिनके कलश सुनहरी हैं। दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी जिसे नहरे बहिष्ट कहते थे। जगह जगह इसमें फव्वारे चलते थे। दालान के भीतर कमरा 48 फुट लंबा और 27 फुट चौड़ा है। इसी में संगमरमर का वो चबूतरा है जिस पर तख्ते ताऊस था। इसी दीवाने खास में लिखा है, अगर फिरदौस पर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। तख्ते ताऊस हीरे जवाहरात से जड़ा सिंहासन था जिसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोर थे। तख्ते ताऊस की कीमत का अंदाजा 17वीं सदी में भी करोड़ों रुपयों में लगाया गया था। दीवाने खास वो जगह है जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह मिला। ईरान का राजा वही नादिर शाह जिसने दिल्ली को लूटा, तख्ते ताऊस ले गया और यहीं धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा भी हथिया लिया। यहीं जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाने का अंग्रेजों ने ढोंग भी किया। शाहजहां के वैभवशाली दिनों से लेकर अंग्रेजी शासन तक कैसे कैसे दिन देखे हैं इस लाल किले ने। दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है। हमाम में 3 बड़े कमरे हैं जिनमें स्नान के लिए हौज हैं। इस हमाम की दीवारें और फर्श को कीमती रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। ठंडे और गर्म पानी की यहां व्यवस्था थी। हमाम में नहर थी जिससे पानी पहुंचता था। कहते हैं पानी को गर्म करने के लिए 125 मन लकड़ियां जलाई जाती थीं। यहां के फव्वारों से गुलाब जल की फुहारें खुशबुओं का छिड़काव करती थीं। हमाम से उत्तर की ओर बहादुर शाह का बनवाया हीरा महल है। इसे 1824 में बनवाया गया था। नहरे बहिष्ट जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यहां से गुजरती हुई दीवाने खास की ओर जाती है। शाहजहां के बनवाए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जो संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पीतल का दरवाजा है। मस्जिद के 3 गुंबद
संगमरमर के बने हुए हैं। सन 1842 में बहादुर शाह ने जफर महल का निर्माण कराया जो लाल पत्थर का है। ये मेहताब बाग के हौज के बीचों बीच है। इसमें आने जाने के लिए एक पुल भी था। 1857 के बाद यह हौज फौजियों के तैरने के लिए बना दिया गया। दीवाने खास के दक्षिण में संगमरमर के बने खास महल के बीच से नहर बहती थी। तस्बीह खाना, ख्वाबगाह और बड़ी बैठक इस संगमरमर के महल की तीन तस्वीरें हैं। तस्बीह खाना बादशाह के एकांत क्षणों में इबादत का गवाह होने के साथ वैभव का भी प्रतीक है। यहां दीवार के बीच में संगमरमर का तराजू है और वहां लिखा है मीजाने अदल, यानी न्याय का तराजू। तारों का झुरमुट तराजू को घेरे हुए है और इसी तारों के झुरमुट से निकलता हुआ चांद भी देखा जा सकता है। पच्चीकारी और खूबसूरत जालियों का शिल्प बरबस ही मन को मोह लेता है। तस्बीह खाने में से शयन कक्ष का रास्ता है। इन सभी कमरों में पच्चीकारी का खूबसूरत काम है। जगह जगह कीमती पत्थर और नगीने लोग निकाल कर ले गए। नहरे बहिष्ट में बने संगमरमर के हौज में फूल पत्तियां पच्चीकारी की शक्ल में बिखरी पड़ी हैं। इनके बारीक सुराखों से फव्वारे निकलते थे। नहरे बहिष्ट यहां से आगे रंग महल की ओर चली जाती है। ख्वाबगाह की पूर्वी दीवार की ओर गुंबद वाला बरामदा है। यहां आठ कोणों वाला कमरा है जिसके ऊपर गुंबद है। ये मुसम्मन बुर्ज है। इसी के नीचे यमुना की ओर दरियाई दरवाजा है जिससे बादशाह शाहजहां बड़ी धूमधाम से पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। यहीं झरोखे से बादशाह जनता को दर्शन दिया करते थे। मुसम्मन बुर्ज से ही 1857 में आखिरी मुगल बादशाह ने सामने के मैदान में खड़ी क्रांतिकारियों की फौज से बात की थी। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। ये बुर्ज 1857 के बाद का बना है। पुराने बुर्ज पर सोने का पत्थर चढ़ा था। दीवाने आम के ठीक पीछे आलीशान रंग महल है। इसका सहन बहुत चौड़ा है। 13 दालान 5 हिस्सों में बटा हुआ है। नहरे बहिष्ट इसके बीच से बहती थी जो इसे ठंडा रखती थी। यहां फव्वारे थे। खिले हुए कमल की शक्ल में संगमरमर का एक हौज है। इस महल की छत चांदी की थी जिसे उखाड़कर तांबे की लगा दी गई और बाद में तांबे की भी छत उखाड़कर लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। मुगलों के ऐशो आराम का रंग महल 1857 के बाद इसे अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला। जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किए जाते थे वहीं अंग्रेजों ने आग जला दी। मुमताज महल बड़े महलों में से एक था जिसकी छत के चारों कोनों पर सुनहरी छतरियां थीं जो समय की मार नहीं झेल पाई। 1857 के बाद इसे कैद खाने में बदल दिया गया। अब ये संग्रहालय बन चुका है। मुमताज महल के आगे दक्षिण में बहुत बड़ा असद बुर्ज है। 1803 के एक हमले में इस बुर्ज को बहुत नुकसान पहुंचा था लेकिन अकबर सानी ने बाद में इसको ठीक करवा दिया।
शाह बुर्ज किले के तीन मुख्य बुर्जों में से एक है। ये उत्तर पूर्व के कोने पर है। पहले यह तीन मंजिला था। गुंबद 1857 की क्रांति में जाता रहा। किले में हर जगह पानी जाने के लिए खिड़कियां इसी बुर्ज में हैं। इसी बुर्ज के पास से नहरे बहिष्ट यानी स्वर्ग की नहर निकलती है। नहरे बहिष्ट को भरा रखने के लिए किले के बाहर से शाह बुर्ज तक पानी उठाना एक बेहद मुश्किल काम था। ये पानी संगमरमर की चादर से टकराकर हौज में गिरता था और वहां से नहरे बहिष्ट में समा जाता था। इधर शाह बुर्ज के कमरों में पानी की कलकल गूंजती रहती थी। हयात बख्श बाग से इनमें से जो आवाज होती थी वो बारिश जैसी लगती थी। लाल किला मुगलों के जमाने से ही सत्ता का प्रतीक रहा। मई 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब क्रांतिकारियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आजादी के पहले आंदोलन का बिगुल यहीं से बजाया था। 1857 में जब लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में आया, उसके बाद इसमें बहुत सी तब्दीलियां आईं। किले की कई इमारतों को ढहाकर फौजियों के लिए बैरक बनवा दी गईं। लाल किला अब बादशाह का आलीशान महल नहीं रहा, वो अब अंग्रेजी फौज की छावनी बन गया था। फिर 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया और लाल किले पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इसी लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर अंग्रेजों की ओर से मुकदमा भी चलाया गया। आजाद हिंद फौज के अफसरों को यहीं कैद करके रखा गया था। इस ऐतिहासिक मुकदमे में पंडित नेहरू, भूलाभाई देसाई और कैलाशनाथ काटजू बचाव पक्ष के वकील थे। उस वक्त ये नारा देश भर में गूंजा था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। लाल किला मुगल साम्राज्य के वैभव, शान व शौकत, विलासिता और गौरव का गवाह है, तो उसने मुगलिया सल्तनत के पतन को भी देखा है। बादशाहों की मजबूरियों पर आंसू बहाए हैं, जालिमों के जुल्म और लुटेरों की लूट दर्ज की है। अंग्रेजों के खिलाफ एक बादशाह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को लड़ते देखा है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और जवानों पर मुकदमे की बहस को सुना है। स्वाधीनता के लिए देश से उठती आवाजें भी इसके कानों तक पहुंची हैं। और यही लाल किला आजादी मिलते ही मानो सबकी यादों में बस गया, जब इसकी प्राचीर से पहले प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया था। वक्त के कितने दौर गुजर गए, लाल किला हर दौर में अपने आप को जैसे ढालता चला गया। इमारतें बनती हैं, मिटती हैं, किले भी आबाद होते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन लाल किले जैसा कौन बनता है? सिर्फ लाल किला।